हेलो एवरीवन। तो तैयारी चल रही है? अच्छे से चल रही है ना? ओके गुड। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। सही बोल रहा हूँ, एक बार पहले खुद से ज़रूर ट्राई करना। अगर नहीं हो तभी वीडियो देख करके उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है? तो क्वेश्चन आज का जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि अगर ए रूट ए प्लस बी रूट बी इज इक्वल टू 183, ओके, एंड बी रूट ए प्लस ए रूट बी इज इक्वल टू 182, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड 9/5 इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन देखकर? हो जाएगा? अरे यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ट्राई कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है? टाइम दीजिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। चलिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करके एटलीस्ट 5 मिनट्स दीजिए। ये क्वेश्चन डिजर्व करता है एटलीस्ट 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स दीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो देखिए, ठीक है? तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? अब देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल है ना, रूट वाला सवाल है, अब देखिए ए रूट ए प्लस बी रूट बी यहाँ दिया हुआ है, इस तरीके का सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम रूट के हिसाब से करें तो क्या करेंगे? जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हम इसको कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे ताकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट ले ले, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर हम रूट ए को एक्स एज्यूम कर लेते हैं एंड रूट बी को वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो रूट ए को एक्स एज्यूम किए हैं तो ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? हमें फाइंड क्या करना है? 9/5 ए प्लस बी, इट मीन्स हमें फाइंड करना है 9/5 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है वाई स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? ठीक है, अब रूट ए को एक्स और ए को एक्स स्क्वायर हम दिए हुए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच? 183। कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा आप, राइट? ठीक है, अब देखिए ये बी कितना है? वाई स्क्वायर, रूट ए कितना है? एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए कितना है? एक्स स्क्वायर, सो रूट बी कितना है? वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हाउ मच? 182, ठीक है? अब देखिए, दो इक्वेशन मिल गया हमें, यहाँ से एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल गया। यहाँ से कुछ आप रिलेट भी कर रहे होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, कुछ आ रहा है दिमाग में? आ रहा है ना? देखिए क्या है ये, क्या है एक्स प्लस वाई होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, करेक्ट? यही होता है ना? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमें पता है कितना है? 183 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स भी हमें पता है 182, ठीक है? तो क्या मिला हमें? 183 प्लस 3 इंटू 182 कितना आता है? 6, 4 एंड 5, 546 प्लस 183, तो कितना मिलेगा? 546 प्लस 183, 6 प्लस 3 9, देन 2 एंड 7, 729। तो x प्लस वाई होल क्यूब कितना मिल गया हमें? 729। तो अगर x प्लस वाई होल क्यूब 729 है, और 729 इज नथिंग बट 9 क्यूब, करेक्ट? 9 इंटू 9 इज 81 एंड 81 इंटू 9 इज हाउ मच? 729। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें?
9, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें एक्स वाई पता है, एक्स प्लस वाई पता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन ही, दो टू वेरिएबल है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे देखिए, इक्वेशन टू। सो इक्वेशन टू को, अब देखिए इक्वेशन टू में कुछ कॉमन है यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉमन है, तो इक्वेशन टू को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई इन टू, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पे? वाई। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स। वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? 182। 182। अब वाई प्लस एक्स हमें पता है, तो एक्स वाई इन टू 9 इक्वल्स टू 182। सो एक्स वाई इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें? 182 बाई 9। अब देखिए ए प्लस बी पता है, एक्स प्लस वाई पता है हमें, एंड एक्स वाई पता है, तो अब तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, करेक्ट। तो क्या मिलेगा हमें? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 182 बाई 9, ठीक है। तो 9 स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस 2 इंटू 182 कितना होता है? 463 बाई 9, ठीक है। ओके तो 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 729 माइनस 364 बाई 9। 729, 81 इंटू 9 इज 729 माइनस 364 बाई 9। अब 729 माइनस 364 बाई 9 कितना मिलेगा हमें? सो 9 माइनस 4 इज 5, देन 12 माइनस 6 इज 6, एंड 6 माइनस 3 इज 3, 365 बाई 9। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 365 बाई 9, ठीक है। हमें निकालना क्या है? 9 बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 9 बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 365 बाई 9। तो 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, 365 बाई 5 कितना होता है? 7 5 जा 35 एंड 7 3 जा 5 3 जा 15, तो हमें 73 मिल गया। यह है हमारा आंसर, करेक्ट। सो 9 बाई 5 इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। समझ में आया? आसान लग रहा है ना? कोई भी सवाल टफ नहीं होता है, बस ज़रूरत है तो आपको सही तरीका जानने का और सही तरीके से उसे सॉल्व करने का, ठीक है। एक बार आप करेक्ट वे में आ गए तो उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन है, उसके बाद कैलकुलेशन है और फॉर्मूला है, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।